हेलो चिल्ड्रन, नाउ इन कंटिन्यूएशन टू द पैथोजेनिक डिजीजेस, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, उन डिजीजेस में जो फोर्थ टाइप ऑफ डिजीज है, दैट इज हेलमिंथिक डिजीजेस। अब तक हमने बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन डिजीजेस पढ़ ली हैं। ये फोर्थ टाइप ऑफ डिजीज है एंड इट इज हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीजेस, सो वैसे तो हेलमिंथिक डिजीजेस बहुत सारी होती हैं, जैसे फ्लैट वर्म से होने वाली हेलमिंथिक डिजीजेस और राउंड वर्म से होने वाली हेलमिंथिक डिजीजेस। 11th क्लास में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, तो जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उन्हें प्लैटी हेलमिंथ्स भी कहते हैं, है ना। वो लीव शेप्ड या रिबन शेप्ड होते हैं। तो फ्लैट वर्म से होती हैं टीनियासिस, सिस्टी सरकोसिस, ये सब जो है 12th क्लास के सिलेबस से बाहर है। हमें जो 12th क्लास में हेलमिंथिक डिजीजेस पढ़नी है वो है राउंड वर्म से होने वाली हेलमिंथिक डिजीजेस, और इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है एस्कैरियासिस और फिलैरियासिस। तो इस वीडियो में हम जो है डिटेल में एस्कैरियासिस और फिलैरियासिस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि वर्म से होने वाली, वर्म मतलब कीड़े, जो कीड़े हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, वो वर्म्स कहलाते हैं। और इन वर्म्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। वर्म्स कैन बी फ्लैट वर्म्स, ठीक है, फ्लैट माने चपटे। तो फ्लैट वर्म्स के अंदर कौन आता है? फ्लैट वर्म के अंदर आते हैं प्लैटी हेलमिंथ्स, ओके। इन्हें फ्लैट वर्म भी कहा जाता है क्योंकि ये लीव शेप्ड या रिबन शेप्ड होते हैं, पत्ती जैसी चपटी होती है ना, वैसे होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं राउंड वर्म। राउंड का मतलब क्या होता है? गोल। आप इन्हें काटेंगे तो आपको सर्कुलर शेप मिलेगा, ठीक है, सेक्शन आपको सर्कुलर दिखाई देगा। और इसमें आते हैं निमेटोड्स, इन्हें जो है हेलमिंथ्स भी कहा जाता है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज निमेटोड्स, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज निमेटोड्स। और जनरली इन्हें राउंड वर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्कैरियासिस, ठीक है, या एस्कैरिस, ओके। एस्कैरियासिस तो एस्कैरिस से होने वाली बीमारी है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो वर्म होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है एस्कैरिस, ठीक है, तो एस्कैरिस एक राउंड वर्म है, और एस्कैरिस जो बीमारी कॉज करता है उसे कहते हैं एस्कैरियासिस, तो उसी में SIS जोड़ दिया जाता है, द नेम ऑफ द डिजीज इज फॉर्म्ड। सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, एस्कैरिस से होने वाली बीमारी जिसका नाम है एस्कैरियासिस, ओके। सो द फर्स्ट हेलमिंथिक डिजीज इन आवर सिलेबस इज एस्कैरियासिस। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हेलमिंथिक डिजीज इज एस्कैरियासिस। अब जैसे कि हम अभी तक के वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं कि इन बीमारियों का कॉजेटिव एजेंट क्या है, इनकी बॉडी में लाइफ साइकिल कैसी होती है, इनके कितने होस्ट होते हैं, और ये कैसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, किन ऑर्गन्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और इनके सिम्टम्स क्या हैं, तो यही सारे जनरल टॉपिक्स हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एस्कैरिस है वो राउंड वर्म है जो इंसानों में पाया जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म ऑफ मैन। सो ध्यान दें, एस्कैरियासिस का कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट मतलब किसके कारण ये होता है या कौन इस बीमारी को फैलाता है, एस्कैरियासिस बीमारी का नाम है, ठीक है, हेलमिंथिक बीमारी है, हेलमिंथ से होने वाली, और इसका कॉजेटिव एजेंट है एस्कैरिस। ये वर्म का नाम है, कीड़े का नाम है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। इस एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स को राउंड वर्म ऑफ मैन भी कहते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो मोनोजेनेटिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको याद हो तो मलेरिया का जो पैरासाइट था प्लाज्मोडियम, उसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक थी। डाइजेनेटिक का मतलब दो होस्ट में कंप्लीट होती थी, उसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट की बॉडी की जरूरत होती थी प्लाज्मोडियम को। लेकिन एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड मोनोजेनेटिक है, इसका मतलब इट रिक्वायर्स ओनली वन होस्ट, इसको सिर्फ एक होस्ट की जरूरत है, ओनली वन होस्ट इज नीडेड एंड दैट इज ह्यूमन बींग्स,
ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स को अपना होस्ट बनाते हैं. एंड बेसिकली दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्म विच इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. सबसे ज्यादा कॉमन कीड़ा अगर कोई इंसानों में मिलता है तो वो एस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड है. ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है. तो ये सारा मैं आपको शुरू में बता दे रही हूँ, फिर हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन्फेक्टिव स्टेज, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ये बहुत सारे फॉर्म्स चेंज करते हैं, तो उन सारे फॉर्म्स में से इन्फेक्शन कौन सी स्टेज कॉज करती है, तो इसका जवाब है एम्ब्रियोनेटेड एग्स. इनके जो अंडे होते हैं वो इनकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, और उस एम्ब्रियोनेटेड एग्स में जो है इन्हें ये कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में सेकंड रैबिडिटी फॉर्म लार्वा में. हम इसे आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, एस्कैरियासिस जो बीमारी है वो बड़े लोगों से के कंपैरिजन में बच्चों में ज्यादा पाई जाती है. इट्स मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू अडल्ट. ठीक है, दिस इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन. बच्चों में क्यों ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, हाथ गंदे रखते हैं, और उन्हें इतना समझ नहीं होती है, वो गंदा पानी या गंदा खाना भी कई बार कंज्यूम कर लेते हैं, और स्पेशली मिट्टी के कारण ये होता है. सो मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन इन अडल्ट. बट ऐसा नहीं है कि अडल्ट को होता नहीं है, अडल्ट को भी हो जाता है, दोज हु आर नॉट वेरी मच कीपिंग देयर थिंग्स नीट एंड क्लीन. जैसे जो सब्जियां हैं और रॉ फ्रूट्स हैं, अगर आप उन्हें प्रॉपर धो के नहीं खाते तो वहां पर उन सब्जियों और रॉ फ्रूट्स के ऊपर इस एस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड के एग्ज हो सकते हैं, जो आपके बॉडी में चले जाएंगे, और वो ही उसकी इन्फेक्टिव स्टेज है. सो इसीलिए कहते हैं कि बहुत अच्छे से कच्चे फल और सब्जियां अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से धो करके खाएं. नाउ अगली चीज जो इम्पोर्टेंट है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलता है. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कंटामिनेटेड गंदे खाने पानी, ठीक है, तो यू मे नोट कंटामिनेटेड, ये कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड वाटर. ठीक है, कंटामिनेटेड फूड वाटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एनी हाउ अगर आप इनके जो है एग्स के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो ये आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं. अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है निमेटोड्स में आते हैं, एंड इनको हेलमिंट्स भी कहा जाता है, और ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, तो एस्कैरिस बिलोंग करता है फाइलम इसकी हेलमिंथस को, यानी दे बिलोंग टू फाइलम. क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो दे बिलोंग टू एसके हेलमेंट्स. ठीक है, और एसके हेलमेंट्स वो फाइलम है जिसमें स्यूडोसिलोम होता है, और ये अकेला ऐसा फाइलम है जिनके मेंबर्स में स्यूडो माने फॉल्स, सिलोम माने कैविटी, सो इनकी बॉडी में फॉल्स कैविटी होती है, ये एक अकेला ऐसा फाइलम है. नाउ ये एक एंडो पैरासाइट है. इसका नेचर क्या है, एंडो माने बॉडी के अंदर रहता है, सो इट्स एंडो पैरासाइट. एक्सो पैरासाइट भी होते हैं जो बॉडी पर बाहर से फीड करते हैं, बट ये बॉडी के अंदर फीड करता है, सो इट्स एंडो पैरासाइट. और एंडो माने बॉडी के अंदर है, तो रहता किस ऑर्गन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इन्वेड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग, एंड एज आई टोल्ड कि बच्चों में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू एडल्ट. ठीक है, इनकी बॉडी की बात अगर की जाए तो बॉडी जो है इनकी लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड बोल सकते हो आप, अनसेगमेंटेड मतलब जैसे सेगमेंट्स होते हैं वो सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, चिकनी बॉडी होती है एकदम. ठीक है, और सिलेंड्रिकल होती है, जैसे आपने केंचुए देखे हैं अर्थवर्म, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं. अंतर इतना होता है कि केंचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, उस पे रिंग्स जैसे दिखाई देते हैं आपको, पर इन पे रिंग्स नहीं होते, यानी अनसेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, एकदम चिकने चिकने होते हैं. ठीक है, स्मूथ बॉडी सरफेस होता है, अनसेगमेंटेड है. सिलेंड्रिकल का मतलब जैसा आपको अर्थवर्म दिखता है वैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी है उसके जो एंड्स होते हैं, यानी
सबसे एक्सट्रीम एंड माउथ और सबसे लास्ट एंड एनस, वो जो है टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग मैं आपको डायग्राम बना के बता दूंगी कैसे दिखते हैं। सो इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि जितने भी निमेटोड्स पाए जाते हैं ये उन सब में सबसे बड़े होते हैं। दे आर द लार्जेस्ट निमेटोड साइज में, ये सभी निमेटोड से सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। और इनकी जो बॉडी, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पेट में इतने तरह के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। HCL भी प्रेजेंट होता है, आपने पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा है कि डाइजेशन के लिए जो बाकी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है HCL। तो जब एसिड प्रेजेंट है पेट में, इतना सारा डाइजेशन होता है कि खाना खाते हैं इतना सारा फॉर्म में और वो सब पच जाता है, तो ये क्यों जिंदा रह जाते हैं, ये क्यों मरते नहीं, ये क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाते, ये कैसे सर्वाइव कर लेते हैं हमारे इतने पीएच वाले स्टमक में? तो उसका जवाब ये है कि इनकी बॉडी पे एक थिक एक्स्ट्रा सेलुलर क्यूटिकल होता है। थिक एक्स्ट्रा सेलुलर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि जो है बहुत प्रोटेक्ट करती है इन वर्म्स को हमारे डाइजेस्टिव जूसेस से, इसीलिए ये आराम से वहां जो है अपनी लाइफ साइकिल गुजारते रहते हैं। इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करें कि ये सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक और यू कैन से दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे इंसानों में आप मेल और फीमेल बाहर से देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, वैसे ही एस्कैरिस की मेल और फीमेल को आप बाहर से देखकर पहचान सकते हैं। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिक का मतलब होता है बॉडी कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली, आइडेंटिफाइड बाहर से देखकर पहचान सकते हैं, एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज मेल एंड फीमेल, दे कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज मेल एंड फीमेल। जो मेल बॉडी होती है वो फीमेल से लंबाई में थोड़ी छोटी होती है, कर्व्ड होती है, और फीमेल की बॉडी लंबी और स्ट्रेट होती है, ठीक है। सी अगर डायग्रामेटिकली देखते हैं तो जो मेल बॉडी है वो बॉडी के एंड पे ऐसे मुड़ी हुई होती है, ठीक है, लेकिन फीमेल बॉडी जो है वो एकदम स्ट्रेट होती है और मेल से लेंथ में लंबी होती है, ठीक है। और इनके जो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स हैं, ये मेल बॉडी है ये फीमेल बॉडी है, ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स जो हैं वो टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग माने नुकीले होते हैं। सो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। मेल बॉडी में तीन पोर्स प्रेजेंट होते हैं और फीमेल बॉडी में तीन पोर्स यानी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। तो पहला जो पोर है वो माउथ होता है दोनों में ही, जो फर्स्ट पोर है ये जो मैंने डॉट बनाया ये माउथ के लिए है। देन सेकेंड पोर जो है वो दोनों में ही एक्सक्रीटरी पोर होता है, ठीक है, द सेकेंड पोर इज एक्सक्रीटरी पोर। मेल्स में मैंने कहा तीन पोर या ओपनिंग होते हैं और फीमेल्स में चार होते हैं। उसके बाद मेल्स में लास्ट में क्लोएका होता है जो कि फीमेल्स में नहीं होता, इनमें एनस होता है। और फीमेल बॉडी का जो तीसरा पोर है या तीसरी ओपनिंग है दैट इज वुल्वा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वुल्वा में ही जो है फीमेल के जो गोनोपोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो वुल्वा हैज फीमेल गोनोपोर्स, ओके, एंड दिस इज द पार्ट विच रिसीव्स द स्पर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग। और लास्ट पोर जो है वो एनस होता है, ओके। सो नाउ लेट अस डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस इन डिटेल। मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइफ साइकिल में दे आर मोनोजेनेटिक, इनका एक ही होस्ट होता है।
सो लेट्स सी कि ये कैसे हमारी बॉडी को इन्वेड करते हैं और कैसे इन्फेक्शन फैलाते हैं. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल. देन सी, जो भी मानना, इसको समझने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि देयर इज अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एस्कैरियासिस. शुरुआत हमेशा हमें समझने के लिए एक इन्फेक्टेड पर्सन एक्सपेक्ट करके, मान के, एज्यूम करके ही करनी पड़ती है. सो यू एज्यूम देयर इज अ पर्सन, एक आदमी है हु इज सफरिंग फ्रॉम एस्कैरियासिस, उसको एस्कैरियासिस है. सफरिंग फ्रॉम एस्कैरियासिस, ठीक है. अब इस इन्फेक्टेड बॉडी, इस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर जो एस्कैरिस मेल एंड फीमेल है, मेल एंड फीमेल एस्कैरिस, क्योंकि ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे अगर इन्फेक्टेड बॉडी है तो, ठीक है. तो मेल और फीमेल एस्कैरिस जो है वो प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो इन्फेक्टेड है. तो ये दोनों के प्रेजेंस के कारण ये दोनों क्या करेंगे उसकी बॉडी में, उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में, दे विल शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और इस रिप्रोडक्शन से इट विल बी मींस हाईली मींस यू विल बी वेरी मच अमेज्ड टू हियर. आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि एक दिन में एक फीमेल एस्कैरिस लगभग 2 लाख अंडे दे सकती है, ठीक है. मींस अ फीमेल, फीमेल एस्कैरिस इट रिलीजेस नियरली 2 लाख एग्स पर डे. इतने सारे अंडे, आप सोचिए कि पेट में कितने सारे एस्कैरिस बन के भर जाएंगे, है ना. और ये पैरासाइट्स हैं. सो क्या हालत होगी उस इंसान की जिसकी बॉडी में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है. और ये जो अंडे हैं ये फर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं. दीज एग्स, ये जो अंडे दे रही है वो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं. सो दीज एग्स आर द फर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ एस्कैरिस. एंड ये जो है देन आर पास्ड आउट विथ फीसेस, आउट विथ फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. उस इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से बॉडी के बाहर आ जाते हैं, ठीक. अब ये जो एग्स हैं ये ओवल होते हैं और इनमें 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मतलब काफी प्रोटेक्टेड एग्स होते हैं इसके. और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, मतलब अंडे से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है, वो उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में नहीं होती, ये बाहर होती है, ठीक है. सिर्फ अंडे बनने तक, यहाँ तक की स्टेज, एग्स बनने तक की स्टेज ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है. फिर ये अंडे कहाँ आ जाते हैं, फीसस के साथ सॉइल में आ जाते हैं. ये एग्स कहाँ आ गए, फीसस के साथ सॉइल में, मिट्टी में आ गए. और अब मिट्टी में होगा इनका डेवलपमेंट, ठीक है. इनके, इनमें मोल्टिंग होती है और इतना अमेजिंग लाइफ साइकिल है कि इतनी सारी मोल्टिंग है, इतनी सारी स्टेजेस हैं इनके लाइफ में डेवलपमेंट की. सो बेसिकली जो इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इट अकर्स आउटसाइड, इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी इन सॉइल. बॉडी के बाहर मिट्टी में होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इनके एग्स के डेवलपमेंट के लिए सफिशियंटली जो है अवेलेबल नहीं है, या ये कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट बॉडी टेम्परेचर नहीं है कि इनके एग्स डेवलप हो सके हमारी बॉडी में. इसीलिए सॉइल में होता है और सॉइल में होती है इनमें फर्स्ट मोल्टिंग. ध्यान रखें कि इनकी जो मोल्टिंग है, मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, पुरानी शेल उतार के नई शेल अंदर से लाना. यानी जैसे आपने सुना होगा कि सांप केचुली उतारता है, तो वो क्या होती है, केचुली उसकी बाहर की स्किन होती है जो वो शेड कर देता है और अंदर से नई स्किन निकल आती है, उसी को मोल्टिंग कहते हैं. सो ये जो है फर्स्ट मोल्टिंग जो है, मतलब ये बाहर की लेयर शेड कर देते हैं, ये सॉइल में होती है. सो फर्स्ट मोल्टिंग कहलाती है. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट. माने और भी होती है, यस और भी मोल्टिंग्स होती हैं, पर वो अलग अलग जगह होती हैं. अब ये फर्स्ट मोल्टिंग हो गई सॉइल में. अब जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा मोल्टिंग के बाद. सो जाइगोट डेवलप्स और इट डेवलप्स इनटू फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज. अब आएगी मोल्टिंग, पहली मोल्टिंग के बाद आती है फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज. और
सॉइल में ये जो है 10 से 14 दिन, कई जगह 18 डेज भी लिखा हुआ है। सो सॉइल में ये 10 से 14 दिन पड़े रहते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज में, ये सॉइल में ही है अभी तक, और ये स्टेज नॉन इन्फेक्टिव है। ये जो फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज है ये नॉन इन्फेक्टिव है। नॉन इन्फेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अगर गलती से आपने इस स्टेज में इनको कंज्यूम कर लिया तो ये आपको इन्फेक्शन नहीं कॉज करेंगे और खत्म हो जाएंगे आपकी बॉडी में, ठीक है। अब लेकिन फर्स्ट मोल्टिंग के बाद ये लगभग 1 हफ्ते तक इंतजार करते हैं, और ये जो है अपनी फर्स्ट मोल्टिंग जो कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये क्या करेंगे, मोल्टिंग फर्स्ट मोल्टिंग के बाद ये बनाएंगे सेकेंड रैपिडिटी फॉर्म लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि एस्कैरिस की कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव है, तो आंसर है सेकेंड रैपिडिटी फॉर्म लार्वा, ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ये जो है मोल्टिंग के बाद लगभग 1 वीक तक रेस्ट करते हैं, और इसके बाद ये अंडे के अंदर ही रेस्ट करते रहते हैं 1 हफ्ते तक फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज में, और इसके बाद ये बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इसको नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कन्वर्ट इनटू सेकेंड स्टेज, एंड दैट सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड एज रैपिडिटी फॉर्म लार्वा। आपसे कोई पूछ सकता है कि कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव है एस्कैरियासिस की, सो दैट इज सेकेंड स्टेज रैपिडिटी फॉर्म लार्वा, ओके, सो दिस इज इन्फेक्टिव। अगर ये आपकी बॉडी में गया है तो फिर आपको एस्कैरियासिस हो जाएगा। अब आप देखें, अब ये कहानी शुरू हुई थी एक इन्फेक्टिव पर्सन से जिसकी फीसेस से जो है ये मेल फीमेल की मेटिंग के बाद जो एग्स बने थे वो फर्टिलाइज्ड एग्स सॉइल में आ गए थे, और सॉइल में हुई पहली मोल्टिंग, और पहली मोल्टिंग से बन गए रैपिडिटी फॉर्म लार्वा। अब ये रैपिडिटी फॉर्म लार्वा जो है, हमने अगर कोई कंटेमिनेटेड उस मिट्टी में पैदा हुए कोई गंदी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिन पर ये लार्वा लगे हुए हैं खा लिए, तो ये क्या हो गया, अब एक हेल्दी इंसान की बॉडी में पहुंच जाएंगे। तो ये कहां पहुंचेंगे, अब ये यहां से एक हेल्दी बॉडी में चले जाएंगे, हेल्दी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाएंगे, मे बी थ्रू फूड, वाटर, और कुछ भी इन्फेक्टेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाए, तो अब एक हेल्दी बॉडी में पहुंच जाएंगे। और यहां पर एक हेल्दी बॉडी में इनके लिए कहा जाता है कि इनका 21 दिन का बॉडी टूर होता है, और उस 21 दिन के बॉडी टूर में लगभग ये पूरी बॉडी में घूम लेते हैं। तो देखिए, जब आपने कुछ भी खाया तो ये कहां पहुंचे, ये पहुंच गए इंटेस्टाइन में, ठीक है, खाने के साथ कहां पहुंच गए, इंटेस्टाइन में, कंटामिनेटेड फूड के साथ ये पहुंच जाएंगे इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वाया हेपैटिक, ये जो है हेपैटिक पोर्टल वेन का सहारा लेके, हेपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू इंटेस्टाइन से ये लिवर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और लिवर से फिर से हेपैटिक वेन निकलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जो है हार्ट में जाता है तो ये पहुंच जाते हैं आपके हार्ट में, लिवर से कहां, सीधे हार्ट, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, प्योर ब्लड जिसको कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन, है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, ये जाता है लंग्स में। अब ये हार्ट से कहां पहुंच गए, लंग्स में। तो आपको दिख रहा है सारे मेजर ऑर्गन्स तो इन्होंने जो है ट्रैवल कर लिए, इंटेस्टाइन से लिवर, लिवर से जो है हार्ट, और हार्ट से कहां पहुंच गए हैं आप, लंग्स में। अब लंग्स में ही अपना कमाल दिखाते हैं, सबसे ज्यादा कारनामा लंग्स में ही होता है। सो लंग्स में क्या होगा कि लंग्स में जो एल्वियोलाई होती है, ठीक है, वो एल्वियोलाई कैसी होती है, बलून शेप्ड होती है, एल्वियोलाई, ठीक है, ये बलून शेप्ड होती है। इसमें ये जो है सेकंड और थर्ड मोल्टिंग खाते हैं, देखो पहली मोल्टिंग मिट्टी में हो गई थी, अब सेकंड एंड थर्ड मोल्टिंग होगी कहां, लंग्स में, लंग्स की एल्वियोलाई में। सो सेकंड एंड थर्ड मोल्टिंग होगी और ये लंग्स में पड़े रहेंगे जब तक कि इनमें सेकंड और थर्ड मोल्टिंग ना हो जाए, ये लंग्स में ही बने रहते हैं। इसके बाद इनकी जो सेकंड मोल्टिंग है, मैंने लिख दिया है सेकंड मोल्टिंग, इसके बाद इनमें थर्ड मोल्टिंग होगी,
और ये दोनों सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग कहाँ होती है? लंग्स में होती है, ठीक है। अब ये जो है लंग्स में जब पहुंच गए तो लंग्स से क्या करते हैं, ये फिर उल्टा चलते हैं। देखो मुंह से अंदर गए थे खाने के साथ, मुंह से अंदर गए इंटेस्टाइन, लिवर, लिवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स में वापस आए हैं, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं। और लंग्स से ये कहाँ आ जाएंगे, फूड पाइप से होते हुए फेरिंग्स तक, गले तक आ जाते हैं। कई बार इंसान के खांसने छींकने से भी ये मुंह से बाहर आ जाते हैं, जब बहुत एक्सेसिव सीवियर सिचुएशन होती है तो ऐसा होता है कई लोगों में, तो ये मुंह से भी बाहर आ जाते हैं। और अगर मान लो कि गलती से उस इंसान ने इनको निगल लिया, खांसने के बाद ये आए बाहर गले तक और उसने फिर इनको निगल लिया, तो ये वापस इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक, सुन के ही कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है कि मुंह से कीड़े निकलने लगे किसी के। सो ये एस्कैरिस होता है जो इतना खतरनाक जर्नी हमारी बॉडी में करता है। सो लंग्स से ये कहाँ चले जाते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप का पैसेज सेम है हमें पता है, तो ये फिर से यू टर्न लेके फूड पाइप में आ जाते हैं, मतलब मुंह से अंदर गए थे और ये मुंह की तरफ ही वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अगर इंसान ने जो है वापस इनको कंज्यूम कर लिया, वापस जो है निगल लिया, तो ये जो है क्या कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर से इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में अब ये दिखाएंगे फोर्थ मोल्टिंग, लास्ट फोर्थ मोल्टिंग, दे विल शो यू फोर्थ मोल्टिंग। और फोर्थ मोल्टिंग कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान रखें। ओके सो टोटल कितनी मोल्टिंग हुई, चार। पहली मोल्टिंग थी सॉइल में, दूसरी और तीसरी लंग्स में, और चौथी मोल्टिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखने में बात आई है कि ये सिर्फ हमारे ये ऑर्गन्स इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट और लंग्स और इनमें ही नहीं होते हैं, कई बार ये जो है लोगों की आंखों में पहुंच जाते हैं, ब्रेन में पहुंच जाते हैं। हालांकि तो ब्रेन में पहुंचेंगे तो वहां सर्वाइव नहीं कर पाते, ये जो है कैल्सिफिकेशन की वजह से मर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने सुना है कई बार कि उस इंसान के दिमाग में कीड़े चले गए थे। सो दैट इज एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड जो टहल रहा होता है इंसान की बॉडी में, और कई बार ये आंखों में चले जाते हैं तो आंखों को सर्जरी करके फिर इन कीड़ों को बाहर निकालना पड़ता है, तो ये ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकते हैं। तो अगेन का जो मेजर इन्फेक्शन कॉज करने वाला एरिया है वो इंटेस्टाइन है, यानी ये जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यहाँ पर ये मेजर इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। और इनमें जो है अगर ये इन्फेक्शन कॉज हुआ है किसी की बॉडी में, स्कैरिस है, तो इट मे लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, क्योंकि ये इतने ज्यादा नंबर में बन जाते हैं कि इंटेस्टाइन के पैसेज को, वेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, वहां कीड़े ही कीड़े भरे होते हैं। आप इन इनसे कैसे बच सकते हैं, तो जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं, स्पेशली रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से धो करके खाएं, डीवार्मिंग बहुत जरूरी है, मतलब कीड़े मारकर ही आपको खाना है या क्लीन करके खाना है। और वैसे भी डीवार्मिंग मेडिसिन आती हैं, छोटे बच्चों के लिए भी आती हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी वर्मीफ्यूज काइंड ऑफ मेडिसिन हैं, ऑयल भी अवेलेबल होते हैं कई तरह के जो इनको मार देते हैं, तो उनका कंजम्पशन जरूरी होता है, स्पेशली छोटे बच्चों को जरूर दे देना चाहिए क्योंकि दे आर एट द हायर रिस्क। सो वो मिट्टी में खेलते हैं तो कई बार उनके नाखूनों में भी इनके अंडे चिपक जाते हैं या लार्वे चिपक जाते हैं, जो फीको ओरल रूट है ना, फीको ओरल रूट मतलब जो है फीसस से मुंह तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हम पढ़ चुके हैं जिनका रूट फीको ओरल है, तो बहुत जरूरी है कि आप साफ सफाई रखें और चीजों को क्लीन करके खाएं, देन ओनली यू कैन बी सेफ। सो सिम्टम्स में मैंने आपको बता दिया, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, एनीमिया हो सकता है क्योंकि फीड करने लगते हैं हमारी बॉडी पर, और इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एस्कैरियासिस, आई होप आपको समझ आया। अब जो दूसरी बीमारी है हेलमिंथ से होने वाली या राउंडवर्म से होने वाली, वो है एलिफेंटियासिस, या जिसे हम फिलेरियासिस कहते हैं। सो आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।